पुलिस की आवाज न्यूज, क्राइम का खुलासा। जी प्रधान जी, क्या नाम है आपका? लोकेंद्र सिंह उर्फ गुड्डू। कौन सी ग्राम पंचायत है आपकी? ग्राम पंचायत नौगांव। अच्छा प्रधान जी, गांव के लोगों ने जो आपको प्यार दुलार दिया है, किस तरीके से गांव में विकास की गंगा बहेंगे? सर्वप्रथम मैं अपने गांव के सम्मानित मतदाताओं को और सम्मानित सरदारी को अपनी तरफ से जो मुझे उन्होंने सम्मान दिया है निर्वाचित करके, अपनी तरफ से तहे दिल से उनका आभार व्यक्त करता हूँ, हृदय से अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। जो गांव की समस्या है वो है शिक्षा की। जी, कि 20,000 की आबादी, 8,000 वोटर्स, लेकिन बड़ी विडम्बना रही कि आज तक गांव में एक कन्याओं के लिए इंटर कॉलेज तक नहीं है। एक प्राइवेट इंटर कॉलेज जरूर है, लेकिन वो गांव से काफी दूर पड़ता है, तो बहन बेटियों को जाने में बहुत दिक्कत होती है। तो सर्वप्रथम मेरा प्रयास रहेगा कि शिक्षा के लिए, बहन बेटियों की शिक्षा के लिए कम से कम कन्या इंटर कॉलेज की स्थापना जरूर मेरे कार्यकाल में। दूसरे नंबर पर जो समस्या है वो है गांव की पानी की समस्या, क्योंकि आज पानी की समस्या विकराल रूप धारण करने जा रही है। वाटर लेवल दिन प्रतिदिन मतलब डाउन होता चला जा रहा है। जल का इतना दोहन हो रहा है समरसेबलों के द्वारा कि कई मीटर हर प्रतिवर्ष वाटर लेवल नीचे चले जाता है। तो जो जितने भी हैंडपंप हैं वो ज्यादातर काम छोड़ चुके हैं। तो सर्वप्रथम मैंने उसके लिए प्रयास शुरू भी कर दिए हैं जी, कि शपथ ग्रहण से पहले ही मैंने मेरे गांव में तालाबों की संख्या लगभग 6 है, 6 तालाब है जी, छोटे बड़े, तो 6 तालाबों को मैंने भारी प्रयास करके जी, हालांकि मुझसे पहले भी प्रधानों ने प्रयास किए लेकिन वो उन तालाबों को भरने में सफल नहीं हो सके, लेकिन मैंने प्रयास किए और विनम्रता से लोगों से अनुरोध किया। जो नाली नहीं निकल दी जा रही थी उसको खुदवाया, नाले के द्वारा तालाबों की भराई मैंने कराई है और आज गांव के तालाब पानी से लबालब है और उसका सकारात्मक परिणाम देखने को मिला है। मात्र 15 दिन इस तालाबों को भरे हुए तो आज सुबह ही एक सज्जन कह रहे थे कि भाई हमारी समरसेबल पानी छोड़ चुकी थी और वो अपने मिस्त्री 3,000 रुपए मांग रहे थे बोगी डलेंगी और वो आज पानी दे रही है समरसेबल, तो उससे गांव का वाटर लेवल ऊंचा होगा। और मेरा जो मानना है कि इंडिया हैंडपंप मार्क, आप हैंडपंप पे ध्यान न देके घर घर पानी की टंकी वाले नल पहुंचाए जाए, क्योंकि उसका खर्चा ज्यादा आता है हैंडपंप का और वो व्यक्तिगत एक व्यक्ति विशेष का बन के रह जाता है। इसलिए 3 नगला लगते हैं या तीनों नगलाओं पे छोटी टंकी रखवा के घर घर पीने के पानी की व्यवस्था। और तीसरी जो समस्या मैंने वो जल निकासी, मेन अड्डे पे जब भी थोड़ी बरसात होती है तो पानी घुटने घुटने कीचड़ जमा हो जाती है, उसके लिए मेन अड्डे से और नाले तक जो ग्राम पंचायतों में अक्सर बना करते हैं मिनी नाला निर्माण, जेसीबी से साफ हो सके आराम से और पानी आराम से खींच सके पूरे गांव का, बड़ा गांव है तो ये मेन समस्या है गांव की। इसके अलावा जो लोग वृद्धा पेंशन है, विधवा पेंशन है, विधवा के लिए अनुदान है, शादी के लिए अनुदान है, इन सब पे मेरी प्राथमिकता रहेगी। और मुख्य रूप से जो गांव में गौशाला संचालित हो रही है उस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। अब तक जो हुआ है वो मेरे हिसाब से कहा बहुत कुछ गया लेकिन धरातल पर कुछ भी नहीं है जो मैं देख रहा हूँ जी। नहीं, आप बता रहे हैं जिस तरीके से, वैसे तो लग रहा है कि धरातल पे ऐसा कुछ ना हुआ हो पिछली वर्षों में। प्रधान जी, आप गांव के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे इस महामारी के समय में? उसके लिए मैंने स्वयं भी प्रयास किए हैं जी। एक तो स्वच्छता अभियान मैंने चलाया है जी, मैन अड्डे पे जो सड़क के दोनों किनारों पे जो गंदगी थी उसको जेसीबी से ट्रैक्टर ट्रॉली में भरवा के मैंने उसे
गांव से बाहर करा दिया है। मेन नाली पूरी तरह से सफाई करा के नीचे तरी तक उसकी सिल्ट एकदम सफाई कराई गई है और स्वच्छता पे पूरा ध्यान दिया गया। मैं अपने ग्रामवासियों को संदेश देना चाहूंगा कि आप गांव को स्वच्छ रखें और स्वच्छ रखने में मेरा सहयोग करें, क्योंकि मैं गांव वासियों के सहयोग के बिना अकेला कुछ नहीं कर पाऊंगा। दो बार गांव को सैनिटाइज करा दिया है मैंने और लोगों से कहूंगा कि दूरी बना के रखें, मास्क लगा के रखें और जितनी भी हो सके बिना काम के घर से बाहर न निकले और प्रयास करें। सावधानी इसका बचाव है, स्वच्छता और सावधानी इस महामारी में सबसे ज्यादा कारगर सिद्ध होगी। और वैक्सीनेशन का काम हमारे हॉस्पिटल पर नौगांव में ही चल रहा है, मैंने लोगों से कहा भी है, मुनादी भी कराई है, लेकिन उसके लिए मैं संदेश देना चाहूंगा कि लोग भ्रमित ना हो। एक भ्रांति उसके लिए फैलाई जा रही है कि इससे लोग मर जाते हैं, बुखार आ जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। किसी किसी को मामूली बुखार होता है, उसके लिए पैरासिटामोल टेबलेट दे दी जाती है, मैंने लगाई है, मेरे मतलब घर में मिसेज ने लगवाई है, मेरी मम्मी जी ने लगवाई है, आज तक किसी को कोई परेशानी नहीं हुई। तो मैं तो सभी लोगों को ये अपने इस आपके चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहूंगा कि निसंकोच बिना अपने कोई दिल में भय पाले हुए और वैक्सीनेशन कराएं, उसका आपको लाभ मिलेगा।